क्या फायदा मिलेगा, दारू लोग बढ़ा दे है, वह जबरन आदमी बर्बाद कर दीजिए। महंगाई तो हद पार कर रहा है भैया, इस पर कभी भी राजनीतिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का जो है उसका जीवन का सवाल है। देख शंकर नगर से आए भैया पैदल, बाथरूम करे पर जगह नहीं है यहाँ। क्या घोषणा पत्र था वो खुन लोग कर देते, लेकिन काम ढंग से करते नहीं है ना, घोषणा बस कर देते थोड़ा ना होता है कुछ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कांग्रेस और भाजपा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और इस बीच अब दोनों पार्टियां जो है घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। और इस वक्त हम जो पहुंचे हुए हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में, लोगों से बातचीत करते हैं। ये सारे जो है छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं, अलग अलग विधानसभा से आते हैं, लोगों से हम जानना चाहेंगे घोषणा पत्र आने वाला है, घोषणा पत्र को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर? क्या घोषणा पत्र था वो खुन लोग कर देते, लेकिन काम ढंग से करते नहीं है ना, घोषणा बस कर देते थोड़ा ना होता है कुछ। ये तो आप एक युवा है, क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में? घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए, जो रोजगार के अभी प्लस किसान लोग के लिए कुछ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो किसान के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ता है, तो उस पर दिखाई पड़ना तो एक में दिखाई पड़ता, फिर बेरोजगार लोग के लिए क्या कर रहे हैं अभी? बाकी बेरोजगार तो ऐसे ही घूम रहे हैं ना, उस पर दुनिया भर के अपना क्या टर्म एंड कंडीशन डाल दिए कि युवा तो उस पर मतलब आते ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि किसान के साथ साथ और अन्य लोगों के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जी आपके क्या कहना है भैया, आप क्या काम करते हो पहले बताओ? मैं पेंटर काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या कहना है आपके घोषणा पत्र लाते जिसे बुलेरी से भूपेश बघेल कि अमन दारू बंदी कर, वो शराब बंदी कर, वो ये कर, वो कर, वो या बीजेपी ला रही सुखल ले पहली, तो आप लोग क्या फायदा मिले अभी तक? क्या फायदा मिलेगा, दारू लोग बढ़ा दे है, वह जबरन आदमी बर्बाद कर दीजिए। हाँ। और किसान के लिए तो करत, बाकी हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं कर, जगह पास जमीन नहीं हो। अच्छा, दारू के रेट लोग बढ़ाते है? बढ़ाते है। आम आदमी का परेशानी होते जी, तू पियैया में होते का बर्बाद हो था, आदमी काम में नहीं जा, दारू पी सूते भट्टी में। अच्छा, तू पीथस? मैं नहीं पिया भाई, देखता हूँ। अच्छा देखथस, ठीक है भैया। आपका क्या कहना है, किस टाइप से घोषणा पत्र आना चाहिए, ऐसे आ जाएंगे छाए में? जी जो सरकार है वो घोषणा पत्र तो करते हैं, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं करते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि जो भी घोषणा करते हैं तो पहले, कोई भी अगर सरकार के लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो पहले काम करके दिखाएं, उसके बाद चुनाव में खड़े हो, यही हमारी राय है। और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या होना चाहिए, कोई आपका भी सोच है कि इसको शामिल किया जाना चाहिए घोषणा पत्र में कांग्रेस या भाजपा को? जी छत्तीसगढ़ का जो विकास है उसको लेकर आगे मतलब शामिल करना चाहिए उसको भी, और युवाओं पर ध्यान देना चाहिए। आपका क्या कहना है भैया? सबसे बड़ी मुद्दा तो बेरोजगारी है, जितने भी युवा हैं। मोदी जी बोले थे कि 2 साल, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपको मिला कि नहीं मिला? मोदी जी के कहने पे नहीं होता, स्टेट का भी देखना पड़ता है, स्टेट के सीएम को भी करना पड़ता है। मोदी जी तो सेंट्रल में बैठे हैं, हर चीज़ के लिए हम मोदी जी के ऊपर तो सवाल नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में आप ये भूपेश बघेल की सरकार आपको रोजगार दी कि नहीं दी? सबको पता है अभी तक सभी को मिला भी नहीं है, इतने सारे बेरोजगार बैठे हैं युवाएं है, पढ़ लिख के इधर उधर भटक रहे हैं, कोई 5,000 का नौकरी कर रहा है, कोई 10,000 का कर रहा है। आप रायपुर में ही देख लीजिए, 5 से 10,000 15,000 में क्या होगा प्राइवेट सेक्टर में, और 8 घंटे से 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते ही करते। थोड़ा सा तो आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए घोषणा पत्र जिससे लोगों का विकास हो सके, कोई आप भी सोचते हैं क्या घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जाना चाहिए? कम से कम मिनिमम सभी को एक जॉब प्रोवाइड करे, या कंपनी बाहर की जो है उनके लिए ऑफर करे। जी क्या कहना है सियान? हम आए हैं बाहर से काम करने के लिए, काम नहीं मिली तो वापस जाते हैं, घर गांव घर नहीं, खार में खेत नहीं है, हैं तो ये लग देखे नहीं, खाली किसान बीच वाला मन है फायदा उठाते, गरीब लोग मिले नहीं कुछ नहीं, अब जाते हैं जा 50 रुपये खर्चा करके फिर घर जाबो, हमें काम मतलब के है, मतलब गांव मतलब देश के नागरिक नाम से वोट डालता ना मना। तो तय ठीक है आथस, तय कोई सुझाव भी तो देवे जिसे तय एक मजदूरी करता से यहाँ, और क्या बेहतर होना चाहिए मजदूर मन पर, इला लेके कुछ कहना है? जैसे दूसरा भूपेश बघेल की थे कि हम मजदूर मन ला पैसा देवा था, तो मिलते कि नहीं मिले मजदूर न्याय योजना? कैसे पैसा कहाँ मतलब मिले है? नहीं मिले।
नहीं मिले वो पैसा। कोई सुझाव देवे मजदूर मन पर कि ये काम होना चाहिए, सरकार लाना चाहिए, मजदूर ला गरीब ला फायदा होना चाहिए, मजदूर ला काम मिलना चाहिए थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत। लेकिन कतेक आदमी पूरा भटकत हवन, गली गली घूमत हैं रायपुर में, फिर भी काम नहीं मिलते। अच्छा, बस भैया वही था का बोलबेगा, देख शंकर नगर से आए भैया पैदल, बाथरूम करे बर जगह नहीं है यहाँ, वहाँ से आए हैं शंकर नगर से पैदल, बाथरूम है कि शौचालय भी नहीं है। अच्छा, बताओ ऊपर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऊपर में ना महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, एकदम गरीब आदमी नून मिर्चा में यानी कि नमक नहीं मिल रहा थलाते। महंगाई तो हद पार कर रहा है भैया, तो इस पे भी लाना चाहिए कुछ, इसमें लाना भी चाहिए, सब्सिडी भी देना चाहिए, कम से कम पेट्रोल भी इतना बढ़ते जा रहा है अभी रेट, खाने पीने के भी मतलब अब 10-12 हज़ार की नौकरी में खाना पीना खाएं या कहीं जाएं या घर अपना सेविंग करें या इलाज करवाएं। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है, वहाँ भी ढंग का इलाज नहीं होते हैं, डॉक्टर भी टाइम टू टाइम नहीं आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में। ठीक है, आपका क्या कहना है दादा जी? मेरा तो कहना है कि इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर सोचना चाहिए, इस पर कभी भी राजनीतिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का जो है उसका जीवन का सवाल है, इसीलिए कभी भी राजनीतिक इस पर नहीं होना चाहिए। और जो भी सुझाव देते हैं तो जो भी घोषणा पत्र करते हैं उसको सोच समझ कर घोषणा पत्र करें, तभी चुनाव लड़े। एक सबोजन में मैं पूछा था, अभी तक जितका घोषणा पत्र चाहे कांग्रेस का है या भाजपा का है वो लागू होते कि नहीं हुआ है, हाँ या ना? ना, ना। कहाँ हुआ भैया, कहाँ देवा नहीं, नहीं। तो ये आपने सुना, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अलग अलग विधानसभा से आते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस हो या बीजेपी केवल घोषणा करते हैं, वो अमल नहीं दिखता। और जैसे कई लोगों ने कहा कि बहुत सारी योजनाएं जिसका फ़ायदा उन्हें भी नहीं मिल रहा है, जैसे एक युवा ने बताया कि बेरोजगार हैं वो लेकिन जो इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, एक मजदूर हैं लेकिन उसको मजदूर न्याय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसको लेकर कहते हैं कि लाया तो जाता है लेकिन जो असली है, जो वास्तव में जो हितग्राही हैं उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा इस चुनाव में कौन से ऐसे घोषणा पत्र लाने जा रही है, फिर जिसकी भी सरकार बनी वो क्या इस घोषणा पत्र पर काम करेगी, यह देखना होगा। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।